देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 7 सितंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 19 नए मामले, कोई भी मौत नहीं, 13 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 152 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज 505 नए कोरोना के मामले आए हैं, 664 रिकवरी और 13 मौतें दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 8480 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोविड 19 मामले, 46 रिकवरी और 5 मौतें दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 326 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 16 नए कोरोना के मामले, 28 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 617 है। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 301 नए मामले सामने आए हैं, 339 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 5505 है। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 636 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 556 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 5068 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 973 नए मामले सामने आए हैं, 1071 रिकवरी हुई है, 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 17386 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना के मामले, 20 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 389 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1556 नए कोरोना के मामले आए हैं, 1564 रिकवरी हुई है, 18 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16256 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 32 नए कोरोना के मामले, मौत कोई भी नहीं, 78 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 914 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना से 80 लोग ठीक हुए हैं, 2 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 885 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 739 नए मामले सामने आए हैं, 1333 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, 14 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14550 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 86 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19688 नए मामले सामने आए हैं और 135 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, इस दौरान 28561 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 238816 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 8 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 125 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 15 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 16 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 132 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में आज 228 नए कोरोना के मामले, 159 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1699 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 261 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 3180 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 15 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 54 है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 609 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 727 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 8 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 6269 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 97 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 716 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3626 नए मामले आए हैं, 5988 रिकवरी हुई है, 67 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 47695 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं, 31 रिकवरी हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 227 है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित लोगों में से 2 की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं, 16 रिकवरी हुई है, इस दौरान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 367 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 124 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 3 की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 691 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 46 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 354 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 93 नए कोरोना के मामले, 129 रिकवरी और कोई मौत दर्ज नहीं की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1286 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 123 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 253 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 2104 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 446 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 415 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 10122 हैं। तो ये थे आपके राज्य के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।